ओके, तो इन स्टेप्स में सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, इंसर्शन, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन. तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू बी क्लोन्ड, तो सबसे पहले हमें उस डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना है जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हमें क्लोन करना है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी ह्यूमन का कोई ऐसा जीन लेते हैं, मान लीजिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो अब हमें ये डीएनए, ये जीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो एक तो प्रोसेस है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ऐसे कई प्रोसेस हैं और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले जो ये इंसुलिन का जीन है, हमने उसको आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया. ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन इन टू अ सूटेबल होस्ट टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब हमने एक कोई सूटेबल होस्ट लिया, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लाज्मिड हो, फाजमिड हो, वायरस हो, बैक्टेरियोफाज हो, कोई भी होस्ट हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है. तो ये कोई भी वेक्टर है, आदर प्लाज्मिड, सबसे सूटेबल प्लाज्मिड होता है, और बैक्टेरियोफाजेस होते हैं सूटेबल. तो सबसे इजी एग्जांपल में हम प्लाज्मिड ही लेंगे. तो ये प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर है. ओके, ये प्लाज्मिड है. अब इस प्लाज्मिड के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट कर देंगे और ये बन जाएगा एक रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये तो मैं आगे भी बता चुकी हूँ. अब आगे इसके क्या होता है, हम इसको इंसर्ट करते हैं किसी बैक्टीरिया में. वो बैक्टीरिया हमारा होस्ट है, उसके अंदर हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला. इसके अंदर अपना भी एक क्रोमोसोम है. ठीक है, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करने देंगे. ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ये अपने सेल डिवीजन करेगा और ये और अपनी प्रोजेनीज बनाएगा, जिसके अंदर ये डीएनए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, डिपेंड करता है. तो साइज सबके इक्वल रहेंगे, मेरे ड्राइंग के साइज पे ना जाएं आप, ये साइज सबके इक्वल रहेंगे. ओके, अब उसके बाद हमारा आता है, ये हुआ इंट्रोडक्शन, अब आता है हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस. अब हम इन प्रोजेनीज में से कौन सी ऐसी हैं बैक्टीरिया जिसके अंदर एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है, उसके लिए हमारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा. तो वो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का प्रोसेस, ये हम आगे पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रोसेस, या फिर प्लाक फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो ये जो प्लाक फॉर्मेशन है, फिर इसमें होता है, आई मीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है वो तो खत्म हो जाएंगे. मान लीजिए जैसे इनके अंदर नहीं है, जिनके अंदर है वो सर्वाइव करेंगे और हम उन्हें फर्दर आगे ग्रो होने देंगे, मल्टीप्लाई होने देंगे, और आगे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये आगे अपने और भी नए प्रोजेनीज बनाएंगे, डेवलप करेंगे. और अब जो प्रोजेनीज और नए सेल बनेंगे, उनके अंदर सब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट रहेगा और वो एक्सप्रेस करेंगे. तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जीन इन इन द होस्ट. ओके, नेक्स्ट आता है द टूल्स यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो क्या है, क्योंकि इनके नाम अब आगे बार बार आपको सुनाई देंगे, तो हमें इनको कुछ समझना ज़रूरी है. जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं. आप किसी भी डीएनए की स्पेसिफिक साइट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काट सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है और ये भी कोई डीएनए का सीक्वेंस है, हमने यहाँ पे कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, ये बन गए स्टिकी एंड. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग्स, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट लगा और ये बन गए ब्लंट एंड. ओके,
अ सूटेबल डीएनए मॉलिक्यूल केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग विच इज़ कॉल्ड वैक्टर. तो हम ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जैसे प्लाज्मिड हुआ, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल लेंगे जो जिनके अंदर एबिलिटी हो सेल्फ रेप्लिकेशन की, जो खुद ब खुद रेप्लिकेट हो सके. और वो हमें सूटेबल डीएनए मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिज्म से भी मिल सकता है, जैसे बैक्टीरिया से. और सबसे कॉमन जो है PBR322 और PUC1819, ये बैक्टीरिया से मिले वैक्टर हैं. ओके, यही वो वेक्टर होते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं और फर्दर रिकॉम्बिनेशन में, मतलब इनके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमें है वो हम इनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है ये. और आगे फिर ये एक्सप्रेस करते हैं उस जीन को. डीएनए लाइगेज टू सील द निक और एंड दैट रिमेन इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू. तो डीएनए लाइगेज इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू. वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए, ये है हमारा प्लाज्मिड का डीएनए और ये है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. अब हमने इन दोनों को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे कि यहाँ पे जैसे ये स्टिकी एंड डेवलप हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, तो ये स्टिकी एंड आपस में जुड़े. अब इनके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की लिंकेज कौन कराएगा? वो कराएगा ये डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज जो कि एक मॉलिक्यूलर ग्लू है. ओके, डीएनए लाइगेज, ठीक है. तो ये है रोल डीएनए लाइगेज का. अब आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या रोल है कि वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी प्रोड्यूस करता है, यूजुअली एमआरएनए, और एक cDNA लाइब्रेरी बनाता है. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी जो हमें मेन डिस्कस करना है कि इसका यूज़ है आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना, रिवर्स ट्रांसफर. ये आरएनए है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड. तो ये जो आरएनए हुए सिंगल स्ट्रैंड, इनको कन्वर्ट कर दिया डबल स्ट्रैंड में. ओके, तो ये काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का. नेक्स्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम कैसे नॉमेनक्लेच मतलब नेमिंग करते हैं, उसका एक जनरल पैटर्न है. जैसे हम एग्जांपल लें इको आर वन. इको में ये जो ई है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है हमेशा. ये होता है जीनस. ये जो को है कोलाय. ओके, ये होता है स्पीशीज नेम. ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और ये तीनों लिखे जाते हैं इटैलिक में. ये हुआ एशुरेशिया कोलाय, ई कोलाय. आर स्ट्रेन नेम, स्ट्रेन का नाम होता है ये आर. जैसे ई कोलाय का कौन सा स्ट्रेन है, तो ये आर स्ट्रेन है. ओके, और ये जो 1, 2 और 3 लगाए जाते हैं ये है टाइप ऑफ 3 मेन ग्रुप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं डेवलप हो पाए थे. तो जब इनकी डिस्कवरी हुई और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डेवलप हो गए, तो इनको फिर अलग अलग 3 ग्रुप में बांट दिया, 1, 2 और 3. ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये हिंड 2 है, हिंड 3 है. अब देखिए इसका जीनस स्पीशीज स्ट्रेन, जीनस स्पीशीज स्ट्रेन ये सिमिलर है, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? तो इनको डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका था कि इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के भी 3 ग्रुप बना के उसमें डाल दिया. तो ये है ग्रुप 2 में और ये है ग्रुप 3 में, ठीक है. तो ये हुआ इसका जीनस. हीमोफीलिया, IN इज इन्फ्लुएंजा, D इज स्ट्रेन. ओके, ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर डेजिग्नेटेड बाय जनरल सिंबल आर प्रिफिक्स टू देयर नेम. जैसे कि आप देखेंगे इको R1 में ये आगे जो R लगा है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जस्ट जनरली सिंबलाइज करने के लिए प्रिफिक्स लगाया हुआ है, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब, एग्जाम है ऑन यूट्यूब. लाइक अवर वीडियोज एंड प्लीज डू कमेंट.